तो ये है यहाँ की गुजिया, और इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, सारी मेवाएं पड़ी हुई हैं जो कि आप खाना चाहते हैं। बहुत बुरा लगता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके लिए हर रोज़ वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो दोस्तों। बड़ी टेस्टी है यार, ऐसे क्यों दिखा रहे हो वैसे आप? यहाँ की फूड मार्केट बाकी फूड मार्केट से एकदम अलग है, लेकिन अगर आप यहीं के हैं और आपको भी पता है कोई फेमस फूड मार्केट तो हमें कॉमेंट करके बताएं। आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो है कासगंज की बेकार गुजिया। अब बेकार गुजिया कैसे है, तो फिर चलिए फिर इनसे ही जान लेते हैं कि ये बेकार क्यों है। क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी, आप बेकार गुजिया बनाते हो है? मतलब कहने में तो लगता है कि एकदम बेकार गुजिया बनाते हो, क्या इसका नाम है या बेकार गुजिया ही है? इसका नाम है बेकार। तो ये नाम क्यों रखा था आपने? अच्छा, गुजिया का नाम बेकार है। पंडित जी से निकलवाए थे, कैसे निकलवाए थे? नहीं, खुद ही निकाला था। खुद ही निकाला था तो नाम ही बेकार निकल गया है। दस रुपये का दही भल्ला और 20 रुपये की गुजिया, दो चीज़ें लगाते हो आप। ये मसाले हैं आपके, कौन कौन से मसाले हैं? काजू, पिस्ता, बादाम, सारे सभी डालता हूँ अभी तो मुझे। अच्छा, इसमें क्या है? सॉल्ट है। इसमें सॉल्ट है और ये ओके। तो ये क्या चीज़ है? ये गुजिया है। और क्या है इसके अलावा? दही भल्ले। दही भल्ले हैं, ख़त्म हो गए? अच्छा, कब से लगाते हो आप? 4 महीने। 4 महीने से लगाते हो। चलो बढ़िया से एक गुजिया बनाओ आप। ये गुजिया है, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है? इसमें बोला काजू, पिस्ता, बादाम, सारी चीज़ है। गेट पर कहाँ पर? नगर पाला के सामने लगा रहा हूँ। अच्छा, तो ये है यहाँ की गुजिया, और इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, सारी मेवाएं पड़ी हुई हैं जो कि आप खाना चाहते हैं। कितने रुपए प्राइस बताया था इसका? 20 रुपए। 20 रुपए इसका प्राइस है और 10 रुपए के दही भल्ले। तो अगर आप कासगंज में आते तो इनकी गुजिया का टेस्ट कीजिएगा, एकदम बढ़िया टेस्ट है, और नाम है इसका बेकार गुजिया। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने बेकार गुजिया खाई है तो आप बोलेंगे हाँ खाई है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसका नाम है बेकार। अच्छा, ये जो मसाले हैं वो घर पे ही बनाते हो या बाहर से कहीं से? या जो पैकेट में आते हैं वो है? और है वो है यहाँ का पानी, गुजिया खाने के बाद यहाँ का पानी का टेस्ट एकदम अलग है, हींग और जीरे का पानी। अगर आप कासगंज में आते हैं तो इनकी गुजिया ज़रूर खाइए। स्पेशल थैंक्स उन सभी के लिए जिन्होंने वीडियो पर टाइम निकाल के कमेंट किया, आशीष मिश्रा, दृश्य, मयंक, अंकुर, रोहित और बहुत सारे लोग। अगर मिस हो जाए उसके लिए सॉरी, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका नाम भी यहाँ पर आ सकता है। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, खाते रहिए, खिलाते रहिए, मौज करते रहिएगा।